आज ये जो चरथावल विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ना स्कूल कॉलेजेस की बहुत कमी है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, ना लोगों के लिए यहाँ रोजगार है, ना कोई नए उद्योग लगाने का काम किया गया। नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हमारे बीच चरथावल विधानसभा प्रत्याशी सलमान सईद जी हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। सलमान जी, आपका आईपा के मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप राजनीति में उतर रहे हैं? देखिए, आज जो नेता लोग जो हैं जनता से दूर हो चुके हैं, उन सब चीज़ों को आज लेके बीच में पब्लिक के आए हैं। आज जो गठबंधन हुआ है पब्लिक का और मेरा अपना गठबंधन हुआ है, और मुझे उम्मीद है इस प्यार और मोहब्बत का जो गठबंधन हुआ है, क्षेत्र के विकास और तरक्की के लिए जो गठबंधन हुआ है, उसको लेके आज हम क्षेत्र की जनता के बीच में हैं। क्योंकि आज ये जो चरथावल विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ना स्कूल कॉलेजेस की बहुत कमी है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, ना लोगों के लिए यहाँ रोज़गार है, ना कोई नए उद्योग लगाने का काम किया गया। इन सब चीज़ों को मुद्दों को लेकर आज विकास के और तरक्की के और भाईचारे के मुद्दों को लेकर आज चरथावल की जनता के बीच में है, और चरथावल की जनता का बहुत प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है चरथावल की जनता अपने चरथावल के विकास के लिए और अपने छोटे भाई अपने बेटे को यहाँ से विजय दिलाने का काम करेगी। पिछली बार विधायक जो थे बीजेपी के थे, क्या लगता है उनके द्वारा कितना कार्य चरथावल विधानसभा में कराया गया? देखिए, चरथावल विधानसभा का जो क्षेत्र है वो, उसमें चारों तरफ तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है, कोई विकास काम नहीं हुआ, कोई योजनाएं नहीं यहाँ लागू की गई, ना नौजवानों के लिए कोई स्टेडियम, ना कोई ऐसा कोई काम किया गया। तो यहाँ कोई विकास का कोई मुद्दा, इन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। इन्होंने जो हैं सरकारें, इन्होंने लोगों को लड़ाने के अलावा कोई विकास उसका काम नहीं किया। इन लोगों ने लोगों को लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। ऐसी कौन सी बड़ी समस्या चरथावल विधानसभा की है जो बीजेपी के विधायक पूरी नहीं कर पाए और उस समस्या से जनता को समस्या हो रही है? देखिए, कोई एक समस्या हो तो पता चले, हर गांव की, हर ब्लॉक की, हर जगह की एक समस्या है। चरथावल में हर आदमी परेशान है। आप कहीं भी निकलेंगे, कोई तो सड़कों का दुरुस्ती नहीं है, सारी सड़कें बुरा हाल है, क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोगों के लिए दिक्कतें हैं, ना रोज़गार का साधन है, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस का साधन नहीं है, ना युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का, कोई खेलकूद का कोई साधन नहीं है। हर चीज़ से चरथावल विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, और उस चीज़ को हम दोबारा से मजबूत करके एक नई नींव चरथावल की रखने का काम करेंगे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो विधानसभा चरथावल में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? देखिए, कॉलेजेस, स्कूल्स सबका बहुत बुरा हाल है। जो खुलने चाहिए थे, जो तरक्कियां होनी चाहिए थी, वो कोई चीज़ इन लोगों ने करने का काम नहीं किया। आज चरथावल शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है, नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया गया। शिक्षा जो है, आधुनिक शिक्षाओं के लिए आईटी कॉलेजेस, कोई डिग्री कॉलेजेस कोई नए खुलने का काम नहीं किया गया। कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जिसको एजुकेशन को बच्चे हासिल करके अपनी रोज़गार और नौकरियों के लिए लग सके। आईआईटी कॉलेजेस हैं, कुछ डिग्री कॉलेज हैं, कोई चीज़ खुलने का कोई काम नहीं किया गया। अगर आप चरथावल से विधायक बनते हैं तो आप कौन कौन सी समस्याएं चरथावल विधानसभा की दूर करेंगे? देखिए, चरथावल की जनता जिस तरह से मुझे अपना प्यार और अपना स्नेह और मोहब्बत दे रही है, मुझे पूरा यकीन है उनके विश्वास को मैं विधानसभा क्षेत्र से ज़िंदा रखने का काम करूँगा और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। एक तो प्यार मोहब्बत हम लोगों में जो रहा है उसको दोबारा से मिलाने का काम करेंगे, और जो युवाओं के लिए स्टेडियम्स हैं उन लोगों को खड़ा करने का काम करेंगे, स्कूल कॉलेजेस की जो कमी है उसको खड़ा करने का काम करेंगे, सड़कें की जो बुरा हाल है, बदव्यवस्था है पूरी, उन सब चीज़ों को करने का काम करेंगे, और जितनी लोकल की समस्याएं, जिन जिन गांवों में जो जो परेशानियां हैं, उसी हिसाब से उन चीज़ों को दुरुस्ती करने का काम करेंगे। जनता का कितना प्यार आपको मिल रहा है? देखिए, जनता का इतना सम्मान, जितना प्यार मिल रहा है, मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ के मिल रहा है, और इतना सम्मान मुझे इन लोगों का मिल रहा है, इनका मैं एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊँगा, और मैं इनके बीच में रह के, इनकी खिदमत करके, इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहूँगा, और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और इन लोगों को कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की शिकायत ना हो, अब बड़ों को बड़ों का सम्मान दिया जाएगा, नौजवानों को उनके साथ दोस्ती की तरह रह के एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करेंगे, और सभी लोगों को बहुत प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है। सुनने में आया है कि बीजेपी विधायक के द्वारा वहाँ पे जो भी
शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया गया, क्या कहेंगे? देखिए कोई, वो तो जनता भी जानती है, कोई चीज़ उन्होंने क्षेत्र की जनता से मिलना ही नहीं पसंद किया तो शिक्षा का तो ठीक ढूंढ करने का बहुत दूर की बात है। उन्होंने लोगों से जनसंपर्क नहीं करने का काम किया गया, क्योंकि आज बीजेपी का जो मुद्दा है वो नफरत के अलावा और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, ये दोनों एक ही रुख के पहलू हैं। इन लोगों ने हमेशा नफरत फैलाने का काम किया, समाज में जोड़ने का काम नहीं किया। तो आज हमारा परिवार भी इस बीच में है, सबको पता है कि हमारे परिवार ने हमेशा दुख सुख में सबका साथ दिया और सभी को साथ लेके चलने का काम किया। चाहे हमारे दादा सईद मुर्तजा साहब रहे हों, वालिद साहब सईदुज्जमान साहब रहे हों, और हमने हमेशा सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया, उसी को लेके आज हम लोगों के बीच में हैं। उसी के लिए हम चाहते हैं चरथावल की जनता विकास और तरक्की के लिए और भाईचारे के लिए इस आज साथ खड़ी हो। कुछ ग्रामीणों ने कहा है कि जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने विधानसभा चरथावल में क्राइम ख़त्म कर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, क्राइम तो लोगों का ये है, जब रोज़गार भी ख़त्म हो गया, क्राइम तो देखिए चरथावल क्षेत्र में कभी रहा ही नहीं। चरथावल क्षेत्र हमेशा प्रिय क्षेत्र रहा, चरथावल के क्षेत्र हमेशा झगड़े फसाद से दूर रहे, और जो झगड़े फसाद के लोग हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। जो जनता है वो कोई फसाद नहीं चाहती, ना वो झगड़ा चाहती। जनता के लोगों ने कभी नहीं चाहा, उन लोगों को अपने रोज़गार से अपनी कमाई से ही मतलब है। जो ये झगड़े के लोग हैं ये सियासी लोग हुआ करते हैं, चाहे वो समाजवादी के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हैं, इन्हीं के अलावा और आम जनता हमेशा से यहाँ प्यार मोहब्बत से रहती रही है और रहती रहेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये महिलाओं के लिए हम लोग जो लगे हुए हैं ताकत, जो हम लोगों की कोशिश है कि महिलाओं के लिए छोटे उद्योगों को लगाने का काम किया जाएगा। जो आंगनवाड़ी हैं, जो उन लोगों के संगठन हैं छोटे छोटे, उन लोगों को समूह को हिम्मत देने का काम किया जाएगा, उन लोगों को रोज़गार देने का काम किया जाएगा। उनके सहारे जो गाँव में जो छोटे छोटे औरतों के संगठन काम कर रहे हैं, उन लोगों को रोज़गार के लिए से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये हमारे साथ चरथावल विधानसभा प्रत्याशी सलमान सईद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैं स्वयं ही जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनूंगा और उनका समाधान भी करूंगा। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी सलमान सईद के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अपने सहयोगी नीरज के साथ आईपा मंच मुजफ्फरनगर।